ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके मूकं करति वाचालं पिंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद दसम अध्याय श्लोक नंबर 36, 37 और 38 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम भक्त शिरोमणि प्रह्लाद। श्लोक नंबर 36। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतु कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ राम विक्रमै शयानौ युधि निर्भिन्न हृदयौ राम सायकै तच्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तं जन्मनि। ताभिहात पुनर्जातो शिशुपालकरु सजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः। ताभिहात पुनर्जातो शिशुपालकरु सजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः। ताभिहात पुनर्जातौ शिशुपालकरु सजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतु। ताभिहात पुनर्जातौ शिशुपालकरु सजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतु। ताभिहात पुनर्जातौ शिशुपालकरु सजौ
हरौ वैरानुबन्धेन वस्तुतस्ते समीयतु हविहात पुनर्जातो शिशुपाल करु सजो हरो वैरानुबन्धेन वस्तुतस्ते समीयतु मत अभिहात पुनर्जातो शिशुपाल करु सजो हरो वैरानुबन्धेन वस्यतस्ते समीयतु तौ दोनों इह इस मानव समाज में अथ इस प्रकार पुनः फिर जातौ जन्म लिया शिशुपाल करु सजो दंतवक्र हरौ पुण्य पुरुषोत्तम भगवान में वैर अनुबंधेन भगवान को शत्रु मानने के बंधन द्वारा पश्यतः देखते हुए ते तुम्हारे समीयतु भगवान के चरण कमलों में लीन हो गए या चले गए। तो हम पहले 36 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ रहे हैं, 36 से 37 और 38 का अनुवाद पढ़ेंगे। 36 नंबर, ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा तसानन रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। भगवान रामचंद्र के बाणों से बिंद कर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे और भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने शरीर छोड़ दिए जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरणाक्ष तथा हिरण्यकश्यपु के रूप में किया था। श्लोक नंबर 38, उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा। ये वही थे जो ही तुम्हारे समक्ष भगवान के शरीर में लीन हो गए। तात्पर्य, वैरानुबंधेन भगवान का शत्रु बनना भी जीव के लिए लाभप्रद होता है। कामात द्वेषात भयात स्नेहात, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है कि मनुष्य को कामेच्छा क्रोध भय या भगवान की ईर्ष्या या किसी अन्य प्रकार से तस्मात केनापि उपायेन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आसक्त होना चाहिए और अंततः भगवत धाम लौट जाना चाहिए। तब ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से दास सखा पिता माता या प्रेमी के रूप में संबंधित हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं
श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सवानसते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से शिशुपाल के प्रसंग में उनके पूर्व वृत्तांत शिशुपाल और दंतवक्र के पूर्व वृत्तांत बता रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने सर्व समक्ष अपमानित किया था और उनकी आलोचना कर रहा था और भगवान कृष्ण ने पहले तो शिशुपाल की 100 आलोचना निंदा उन्होंने सहन की क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनके शिशुपाल की माता को वचन दिया था कि क्योंकि शिशुपाल की माता जानती थी कि कृष्ण के द्वारा उसके पुत्र का वध होगा इसलिए कृष्ण से उन्होंने ये वचन लिया था कि उसके अपराध को भगवान कृष्ण क्षमा कर देंगे किंतु भगवान कृष्ण ने कहा था कि सब अपराध तक तो हम क्षमा कर देंगे किंतु उसके पश्चात हम पुनः क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान गिन रहे थे और शिशुपाल भगवान कृष्ण की निंदा सर्व समक्ष में कर रहा था और जितने सारे भक्त लोग वहाँ उपस्थित थे प्रायतः भक्त लोग थे वहाँ पर सब उत्तेजित हो रहे थे शिशुपाल पर आक्रमण करने के लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान की निंदा भक्त कभी सहन नहीं कर सकता और सहन नहीं करना भी चाहिए ये शास्त्र में बताया गया है कोई भगवान की निंदा कर रहा है और कोई उसको सुन रहा है तो अपराध का भागी होता है तो इसलिए स्वाभाविक था कि सब भक्तगण उत्तेजित हो रहे थे शिशुपाल पर आक्रमण करने के लिए
किंतु भगवान कृष्ण सभी को रोक रहे थे और वो गिन रहे थे 1, 2, 3, 4। जब 100 बार शिशुपाल ने निंदा कर दी तब भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और उसके मस्तक को काट दिया। किंतु महत्वपूर्ण बात ये थी कि शिशुपाल का वध सर्वसमक्ष में होते ही शिशुपाल की आत्मा भगवान कृष्ण में समा गई, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना अपराधी है, इतना बड़ा अपराधी है, भगवान की निंदा कर रहा था और उसकी आत्मा फिर भगवान में कैसे समा गई। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में ये प्रश्न उठा, जिसके कारण उन्होंने पूछा नारद मुनि से इसका क्या कारण है कि ये जीवन भर शिशुपाल भगवान को अपना शत्रु मानता रहा, उनकी निंदा करता रहा और अभी राष्ट्रीय यज्ञ में सर्वसमक्ष भगवान की निंदा कर रहा था और ऐसा होते हुए भी कैसे उसकी आत्मा भगवान में समा गई। तो ये सभी के लिए भी, सभी के मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसलिए सभी की ओर से महाराज युधिष्ठिर ये प्रश्न कर रहा है नारद मुनि से। तो नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को समझाया और वहां दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, सभी सुन रहे थे कि वस्तुतः ये शिशुपाल ये कोई साधारण आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति नहीं था। किस प्रकार शिशुपाल और दंतावक्र ये दोनों असुर थे, आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न, यद्यपि राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। दंतावक्र करुष राज, करुष जो लिखा है, करुष राजन दंतावक्र, और इस प्रकार दंतावक्र शिशुपाल ये राजन राज परिवार में जन्म होकर भी आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थे। किस लिए? क्योंकि वो कृष्ण को नहीं मानते थे भगवान के रूप, कृष्ण का विरुद्धाचरण कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बताया कि वस्तुतः ये साधारण असुर नहीं है, ये पूर्व जन्म में भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल थे, जय और विजय, और विप्रशापेन, जैसे 36 नंबर श्लोक में बताया गया है, पुनश्च विप्रशापेन राक्षस उतौ बभूवतु। तो ये विप्रों का शाप प्राप्त हुआ था इन दोनों को, जय विजय जो वैकुंठ के द्वारपाल थे। जब चतुकुमार, हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार चतुकुमार जब वैकुंठ गए थे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए, तो जय विजय दोनों ने रोक लिया था इन चारों कुमारों को सप्तम द्वार पर। ये तो 6 द्वार पार कर गए थे, सप्तम द्वार पर जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े थे, तो वहीं पर दोनों ने रोक लिया था चारों कुमारों को, जिससे इनका अपराध हो गया था और कुमारों ने श्राप दे दिया था इनको। और यही कारण था कि उनका पतन हो गया वैकुंठ से भी, विप्र श्राप के कारण। तो भगवान विष्णु जो कि भक्तों के रक्षक हैं और धर्म के भी रक्षक हैं, तो वो चाहते थे, अगर वो चाहते तो जय विजय की रक्षा भी कर सकते थे,
विप्रसाप से, किंतु भगवान ने ब्राह्मणों को भी सम्मान प्रदान किया उनके श्राप को। और यहाँ तक कि चारों कुमार जब उन लोगों ने भगवान का दर्शन किया तो वो शांत पड़ गए, पहले तो क्रोधित हुए थे, और उन्होंने ये भी कहा भगवान से कि हम अपना श्राप लौटा लेते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण का श्राप अवश्य फलीभूत होगा, किंतु भगवान ने अपने सेवक जय विजयों को ये एक अवसर प्रदान किया कि उनको बैकुंठ से तो जाना पड़ेगा श्राप के कारण, मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, किंतु यदि वो भगवान के भक्त बनकर आते तो उनको 7 जन्म लग जाता पुनः बैकुंठ लौट कर जाने के लिए। तो भगवान ने कहा कि यदि भक्त बनकर तुम लोग जाओगे तब तुम्हें 7 जन्म लगेगा यहाँ लौट कर आने में, और मेरा शत्रु बनोगे, शत्रु बनकर जाओगे तो 3 जन्म में तुम लौट कर आ सकते हो। और ऐसे भी ये भगवत इच्छा से ही ये घटना घटित हुई थी, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ घटित नहीं होता है। तो भगवान को थोड़ा युद्ध करने की इच्छा थी, और किससे युद्ध करे भगवान से, तो भगवान के कोई समकक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि समकक्ष व्यक्ति से ही युद्ध किया जा सकता है। तो भगवान असमर्थ हैं, उनके समान कोई नहीं है या उनसे बढ़कर भी कोई नहीं हो सकता। और यही कारण था कि भगवान ने अपने सेवक भक्तों को चुना उनसे युद्ध करने के लिए, ये दोनों द्वारपालों को चुना। तो ये दोनों ने कहा कि हम आपका शत्रु बनकर जाएंगे और हम अति शीघ्र बैकुंठ में लौट आना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने स्वीकार किया शत्रु बनकर आने में। और पहला जन उनका था हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु का वध हो गया, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से ये वर्णन कर चुके हैं कि किस प्रकार पहले तो हिरण्यक्ष का वध हुआ था बराहदेव के द्वारा, अब हिरण्यकशिपु का वध भगवान नृसिंह देव के द्वारा हुआ है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि पुनश्च विप्रशापेन शापेन राक्षसौतौ बभूवतु। तो जब भगवान विष्णु के द्वारा दोनों का वध हो गया, इनको 3 जन्म राक्षस के रूप में रहना था, तो वही विप्रों के साप के कारण ये पुनः और 2 राक्षस के रूप में आविर्भूत हुए, जन्म हुए, कुंभकर्ण दशग्रीव। तो ये पहले जन्म में हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु और दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और दशग्रीव रावण, दशानन रावण। और इन दोनों ने राम विक्रम ही, भगवान रामचंद्र के प्रताप से इन दोनों का वध हुआ, भगवान रामचंद्र ने इनका वध किया। शयान युधि निर्भिन्न हृदय राम सहायक। तो जब भगवान रामचंद्र ने अपने बाणों के द्वारा इनका वध किया दोनों पार्षदों को, कुंभकर्ण और रावण को, तो ये भगवान रामचंद्र के बाणों से उनका हृदय विद्ध हो गया था और ये युद्ध भूमि पर पड़े थे। किंतु उस समय
वो भगवान के विचार में लीन थे। इनको ये अनुभव हुआ था, कुंभकर्ण को तो पहले पता चल गया था कि रावण जिनको साधारण मनुष्य समझ रहा है, भगवान रामचंद्र को, ये साधारण मनुष्य नहीं है। कुंभकर्ण ने रावण को उपदेश भी दिया था, रामचंद्र से शत्रुता त्याग करके सीता जी को लौटा देने के लिए। रावण इतना अहंकारी था, वो किसका उपदेश नहीं सुनता था। तो अहंकार स्वभाव वाले ऐसे ही होते हैं, वो जो सोचते हैं कि वही ठीक है, बाकी लोग सब गलत बताते हैं। तो रावण नहीं सुन रहा था कुंभकर्ण का भी उपदेश, किंतु जब भगवान रामचंद्र के द्वारा मारा गया युद्ध भूमि पर, तब उसको अनुभव हुआ कि ये साधारण मनुष्य नहीं, क्योंकि साधारण मनुष्य कभी भी रावण का वध नहीं कर सकता था। तो उसको अनुभव हुआ कि ये भगवान है। तो युद्ध भूमि में पड़े थे दोनों, तो दोनों सोच रहे थे भगवान रामचंद्र के बारे में कि ये भगवान है, इनको ये अनुभव हुआ। तो भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने शरीर छोड़ दिए जिस तरह पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में किया। तो भगवान का शत्रु होकर भी ये अंतिम समय में ये भगवान का स्मरण करते रहे। तब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि भगवान का स्मरण करके ये शरीर छोड़ रहे हैं तो उनको भगवत धाम चले जाना चाहिए था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अंतःकाल चमामेवं स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रत संशय, कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, मृत्यु के पश्चात वो मेरे पास आता है, मेरे धाम में आता है। तो भगवत धाम जाने का यही एकमात्र मार्ग है कि अंतिम समय में अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना। तो हम लोग जो साधना कर रहे हैं, इसका लक्ष्य यही है कि भगवान का नाम, जप, कीर्तन और श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण और स्मरण, मन में भगवान का सदा सर्वदा स्मरण, ये अभ्यास हमें करना है, जिससे कि किसी भी समय मृत्यु आने पर हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग सकते हैं और भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो इन लोगों ने अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया, उनको अनुभव हुआ ये भगवान है, किंतु वो भगवत धाम नहीं गए विप्र साप के कारण, क्योंकि इनको 3 जन्म बिताना था। भगवान ने कह दिया था पहले से कि शत्रु के रूप में 3 जन्म इनको बिताना पड़ेगा इस भौतिक संसार में, उसके पश्चात ही वो लौट सकते हैं वैकुंठ धाम। तो तत्चित्तो जहतुर देहं यथा प्राक्तन जन्मनि, तो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में जिस प्रकार उन लोगों ने भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा था, इस जन्म में भी ऐसा ही हुआ कुंभकर्ण और दशानंद के जन्म में। तावि हाथ पुनर्जातो शिशुपाल करुषजो, अब ये तीसरे जन्म में इन दोनों ने, जय विजय ने, शिशुपाल और करुष राजन दंतवक्र के रूप में जन्म हुए, और हरो भैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतो, और इन लोगों ने हरे बैरानुबंधेन
इन लोगों ने भगवान हरि के प्रति बैर भाव रखा था। भगवान हरि को बैर अर्थात शत्रु मानते थे और बैरानुबंध जो शब्द यहाँ आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैर अनुबंध बैरानुबंध, अनुबंध अर्थात बंधा हुआ है किससे, शर्त से, जैसे एग्रीमेंट होता है इसको अनुबंध कहा जाता, तो उससे हम निकल नहीं सकते। तो इस प्रकार ये बैर करने के लिए भगवान के साथ इन्होंने अनुबंध कर लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था, अर्थात ये इस बंधन में थे कि भगवान से हमें बैर करना है। तो इस बैर अनुबंध से पश्चतस्ते समीयतु, तो भगवान को देखते हुए समीयतु भगवान के चरण कमलों में लीन हो गए दोनों। ये तो ये घटना शिशुपाल वध घटना सर्व समक्ष हुई थी राजस्व यज्ञ में, और दंतावक्र का वध भगवान ने बाद में किया था, उस समय नहीं किया था, जब सारे असुरों का वध हो गया। ये अंतिम असुर दंतावक्र, और भगवान ने इस ब्रज के पास ही इसका वध किया था। एक स्थान है दतिया कहा जाता है, दंतावक्र का वध वहीं हुआ था। तो ये दोनों भगवान के शरीर में समा गए और ये उनका अंतिम जन्म था। तीन जन्म हो गया था उनको, अब लौट जाना था वैकुंठ। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं और श्रील प्रभुपाद भी समझा रहे हैं तात्पर्य में, कि कभी कभी ये आश्चर्य होना पड़ता है कि भगवान से शत्रुभाव रखते हुए कैसे भगवान को प्राप्त हो गए। तो श्रील रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहते हैं कि तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्, चाहे शत्रुभाव हो या मित्रभाव, किसी भी तरह कृष्ण में अपने मन को निवेश करना चाहिए। यद्यपि बैर भाव से मन को निवेश करना ये भक्ति की कोटि में नहीं आती, भक्ति की कोटि में वो आती है कि अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तम। तो उत्तम भक्ति वो है जब अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति की जाए, और वो भक्ति अन्य अभिलाष से शून्य होना चाहिए, कोई भी भौतिक अभिलाष या इच्छा उसमें नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध भक्ति है। यदि हम किसी भौतिक लाभ के लिए या इच्छा रखकर भक्ति आचरण करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और भक्ति ज्ञान और कर्म से युक्त नहीं होनी चाहिए। कि कोई भक्ति आचरण कर रहा है ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, या कोई अच्छा फल प्राप्त होने के लिए, तो ये ज्ञान और कर्म से मुक्त होना चाहिए भक्ति। केवल प्रेम भाव से ही भगवान की भक्ति हो सकती है। भक्त अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखता है, केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो इस प्रकार जो भक्ति होती है ये शुद्ध भक्ति मानी गई है।
तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये शुद्ध भक्ति है, किंतु फिर भी यदि कोई बैर भाव रखकर कृष्ण का स्मरण करता है, भक्ति का मूल जो है श्रवण कीर्तन के साथ स्मरण, ये मुख्य अंग माने गए हैं। ऐसे नवदा भक्ति में नव अंग मुख्य है, किंतु विशेष रूप से ये अंग मुख्य माने गए हैं कि भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन, कथा कीर्तन, नाम कीर्तन और स्मरण। जब हम जप करते हैं तो ये तीनों एक साथ चलना चाहिए। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं और उसको सुन भी रहे हैं, यदि हम सुनेंगे नहीं तो मन यहाँ बोलते जाएंगे और मन और कहीं चला जाएगा और कुछ सोचते होंगे हम, किंतु हम सुनने में मन को लगाएंगे तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो अपने आप भगवान कृष्ण का रूप भी सामने आ जाएगा और हमारा स्मरण भी होगा एक साथ। तो श्रवण कीर्तन, श्रवण और स्मरण तीनों एक साथ होगा, तब हमारा जो जप है वो पूर्ण होगा और शुद्ध जप हो सकता है। तो इस प्रकार मन केवल जप के समय नहीं, यदि जप के समय ये हम स्मरण का अभ्यास कर रहे हैं तो 24 घंटे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। उसी प्रकार चाहे हम किसी भी कार्य में लगे हुए हैं किंतु भगवान का स्मरण मन ही मन चलता रहेगा। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य ना जात उचित, इसलिए ये पद्म पुराण में कहा गया कि भगवान विष्णु या कृष्ण का स्मरण सतत होना चाहिए, सदा सर्वदा होना चाहिए, एक मुहूर्त के लिए भी भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए। क्योंकि हमारी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, यदि हम अभ्यस्त हैं भगवान के स्मरण करने का, उनका नाम उच्चारण करने का, तो हमारे लिए किसी भी समय मृत्यु आने पर हम मृत्यु का सामना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं किसी भी उपाय में यदि भक्ति भी नहीं हो रही, कोई भगवान से बैर भाव आचरण करना चाहता है, शत्रुता भाव भी आचरण करना चाहता है और उसके माध्यम से कृष्ण का स्मरण करता है तो करने दो, किंतु कृष्ण में मन निवेश होना चाहिए। और भगवान कृष्ण का स्मरण करने से हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो अपने आप होती रहे। तो इस प्रकार जब हम स्मरण का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे लिए किसी भी समय मृत्यु आने पर यह सहज हो जाएगा भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करना। तो यहाँ पर जो बैरानुबंध, तो व्यक्ति यदि भगवान से प्रेम भाव रखता है या भगवान के प्रति आसक्ति है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, तो आसक्ति होने पर कृष्ण का स्मरण करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि हम भौतिक संसार में देखते हैं कि जिसके प्रति आसक्ति हमारा हमारी अधिक है तो उसका स्मरण हम स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं भौतिक संसार में। तो यदि कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो कृष्ण का भी स्मरण होता रहेगा। इसलिए भौतिक वस्तु
या भौतिक व्यक्तियों से आसक्ति को हटाकर हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना आवश्यक है, जिससे कि कृष्ण का स्मरण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई भक्ति नहीं कर पाता है, वैर भाव कृष्ण से रखता है, तो उसमें भी देखा जाता है यदि हम किसी को शत्रु मानते हैं या किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, उसमें भी उस व्यक्ति के बारे में हम सोचते रहते हैं जिसके प्रति हमारा द्वेष भाव है, जिसको हम शत्रु मान रहे हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं कैसे हम उसको परेशान करेंगे, कैसे उसको हम कष्ट देंगे, वो क्यों हमसे बढ़कर हैं, या क्यों उसको दुख नहीं है, हमें दुख है उसको क्यों दुख नहीं। कभी कभी लोग इस प्रकार सोचते हैं। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि लोग भक्तों से भी द्वेष भाव रखते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम संसार में इतना परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं धन कमाने के लिए, और इतना कष्ट कर रहे हैं, इतनी चिंता में है, किंतु ये भक्त लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और सब आनंद में है। तो ये क्यों आनंद में है? इसलिए लोग द्वेष करते हैं भक्तों से, हम क्यों आनंद में नहीं है, ये क्यों आनंद में। तो ये द्वेष भाव रहने पर लोग उस व्यक्ति के बारे में सोचता है बहुत अधिक। इसलिए यहाँ बैरानुबंध शब्द का प्रयोग किया गया है। बैर भाव का अनुबंध जैसे हो गया है बंधन, उसके साथ बैर भाव रखना है, ये एक बंधन जैसा है। और बैर भाव रखने से वो सोचेगा उसके बारे में। तो यदि कृष्ण से कोई बैर भाव रखता है तो उसके बारे में सोचेगा, स्वाभाविक है, जैसे ये लोग कर रहे थे कि शिशुपाल दंतवक्र या रावण कुंभकर्ण या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये तीन जन्म में ये दोनों जय विजय भगवान को अपना शत्रु मानते रहे, इसलिए उनके बारे में ही सोचते रहे सदा सर्वदा कि ये भगवान हमारा शत्रु है और हम उसका वध करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो भगवान के भक्त थे, इनका यही अपराध हिरण्यकशिपु मानता था कि प्रहलाद क्यों विष्णु भक्त है, इसलिए वो इतना दंडित कर रहा था प्रहलाद महाराज को और जीवन में मार देने के लिए भी प्रयास कर रहा था। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तिगण भगवान के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या परायण हो जाते हैं और भगवान से संबंधित जो भी हैं सभी के प्रति, भक्त लोग उनके प्रति भी ईर्ष्या परायण होते हैं, ये स्वाभाविक है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं फिर भी ये असुरगण ये भगवान के प्रति ईर्ष्या परायण होकर भगवान का चिंतन करते हुए इन लोगों ने शरीर त्याग दिया, इसलिए ये भगवान के धाम को प्राप्त हुए, भगवान को प्राप्त हुए बैर भाव रख कर भी। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी बैर भाव रखें, क्योंकि उनके जैसा हम भगवान का शत्रु नहीं बन सकते। अगर हम शत्रु बनना चाहें भी, रावण कुंभकर्ण या शिशुपाल दंतवक्र या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उनके समान असुर नहीं बन सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को क्या संबोधन करते थे, असुर वरीय, असुर श्रेष्ठ। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति में भी श्रेष्ठ थे, इसलिए उनका बैर भाव इतना तीव्र था भगवान के प्रति, ये सदा सर्वदा भगवान के बारे में सोचते रहे और अंत में ये भगवान के धाम को लौट गए। तो
कहने का तात्पर्य नारद मुनि का यही है कि कृष्ण स्मरण, और स्वरूप गोस्वामी भी यही कहते हैं कि किसी भी उपाय में कृष्ण का सदा सर्वदा स्मरण करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ब्रज में ब्रज गोपियाँ या ब्रजवासीगण सब घर का काम करते थे, अपना अपना काम करते थे, किंतु मुख से भगवान का नाम निकलता था, भगवान की लीलाओं का गान करते थे। तो उसी प्रकार उनसे हमें सीखना चाहिए कि हम संसार में रहकर हर तरह के कार्य में रहकर भी हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें, और कम से कम भगवान का नाम हम हर समय ले सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और इस प्रसंग से हम यही शिक्षा लाभ करते हैं कि किसी भी तरह किसी भी अवस्था में हमें कृष्ण का स्मरण करना आवश्यक है, जिससे कि किसी भी समय मृत्यु आने पर हम इस भौतिक संसार को त्याग कर भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।